अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज नॉर्मली मेरा 7-8 दिन के बाद व्लॉग आ रहा है, नॉर्मली एक वीक के बाद। तो गाइस बता दूँ, उसका रीज़न ये था कि मैं थोड़ा सा बिजी था जिसकी वजह से व्लॉग नहीं आ पाया। तो आज सोचा क्यों ना एक व्लॉग बना लूँ। सो गाइस, आप देख ही रहे होंगे कि मैं कहाँ बैठा हूँ। तो गाइस मैं बता दूँ, मैं बैठा हूँ ट्रक में। ये इसको जो है मेरे अंकल चलाते हैं, और ये जो गाड़ी है ये कठुआ से श्रीनगर जाती है। तो गाइस मैं भी अभी फ़िलहाल श्रीनगर आया था, अभी मैं काजीगुंड में हूँ। तो सोचा क्यों ना यहाँ का थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ, और यही रीज़न था कि मैं थोड़ा घर से दूर था, इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाया। तो अभी मैं काजीगुंड आया हूँ, तो सोचा क्यों ना यहाँ का थोड़ा सा एक छोटा सा व्लॉग बना लूँ और दिखा दूँ कि ट्रक वालों की लाइफ कैसी होती है। तो गाइस व्लॉग के साथ बने रहे, मैं आपको सब कुछ यहाँ पे आज दिखाऊंगा कि ट्रक ड्राइवर कैसे मतलब रहते हैं, क्या कैसे खाना बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो सब कुछ आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस अभी मैं आपको यहाँ पे खोल के बताता हूँ कि इसमें क्या रखा है। इसमें गाइस आपको देखने के लिए मिलेगा, ये है, निकल नहीं रहा बाहर, ये नमक का डब्बा है, इसमें नमक, और ये है, ये खाली पड़ा हुआ है, मतलब कि इसमें खाना बनाने का सामान रखते हैं। और ये है साथ में, इसमें जो है म्यूजिक सिस्टम लगाया हुआ है। और ये रहा गियर लीवर। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ट्रक में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है रहने के लिए। ये पानी पीने के लिए बॉटल्स वगैरह रखी हुई हैं, और इस तरह की गाड़ी की डेकोरेशन कराई है। और ये जो है कश्मीर का फ्रूट है, चेरी हम जिसको बोलें, वही है ये। और इस तरह क्या है, पूरी गाड़ी की डेकोरेशन क्या बना कर रखी, कितनी औसम गाड़ी बनाई है, कितनी अच्छी है ये। यहाँ पे एक कूलर लगाया हुआ है, क्योंकि ये गाड़ी जम्मू श्रीनगर चलती है, कभी कभी बाहर भी जाती है दिल्ली बॉम्बे लाइन में, तो वहाँ क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से क्या करते हैं कि कूलर जो है साथ में रखते हैं। और ये रहा रतन टाटा सर की गाड़ी है, ये टाटा। और जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये येलो कलर का बॉक्स जैसा है, इस पे जितने बटन हैं सब हॉर्न के हैं, और नॉर्मली 10 हॉर्न हैं इसमें अपने अपने उसकी आवाज़ में। और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का क्या है इसका जो है इंटीरियर, जो है इस गाड़ी का इंटीरियर इस तरह से बनाया हुआ है। यहाँ पर शीशा वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है। ये रखा है पानी पीने के लिए, ये डब्बा रखा है पानी पीने के लिए। और मैं आपको बता दूं, इसको मैं उठा के आपको दिखा देता हूं। ये रहा गाइस खाना बनाने का सिस्टम, यहाँ पे खाना बनता है। ये भी रखा है प्रेशर कुकर, और बाकी जो सामान लगेगा वो भी यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे क्या है खाना बनता है। एक साफ सुथरा किचन है। गाइज अगर बाहर की बात करें तो ये हम पेट्रोल पंप के साथ ही हमने गाड़ी लगाई है। तो आज हमें यहाँ पे दूसरा दिन है, उसका रीज़न ये है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे एक ये बात है कि एक ही साइड यहाँ पे क्या गाड़ी छोड़ते हैं, उसका रीज़न ये है कि रोड की कंडीशन ठीक नहीं है, उसकी वजह से जो है एक ही साइड क्या है गाड़ी छोड़ते हैं। तो गाइज अभी आप वो पार देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, ये सब गाड़ियाँ खड़ी है जम्मू जाने के लिए। और नॉर्मली मैंने खुद गिनी थी 50-60 गाड़ियाँ मैंने गिनी थी, जितनी मेरे को लाइन दिखी उतनी मैंने गाड़ियाँ गिनी, 50-60 गाड़ियाँ हैं ये, और ये सब जम्मू के लिए जा रही हैं। तो हम अभी यहाँ पर रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ पेट्रोल पम्प के साथ पानी वगैरह का इंतज़ाम सब कुछ होता है खाना बनाने के लिए। और मैंने सोचा क्यों ना अपने अंकल के साथ मैं अब ट्रक के साथ ही जाऊँगा जम्मू। तो गाइस कुछ इस तरह की यहाँ की हरियाली है, बहुत ही अच्छी जगह है कश्मीर जो है ना, बहुत ही अच्छा एरिया है घूमने के एतबार से, बहुत ही अच्छा है। तो सोचे मैंने क्यों ना थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ यहाँ का, यहाँ की हरियाली मैं दिखाऊँ आपको। और गाइस फ्रंट से भी आप देख सकते हैं ये गाड़ियाँ लगी हैं यहाँ पर पेट्रोल पम्प के साथ ही। और गाइस ये देखो, ये जम्मू से गाड़ी आ रही है और ये सीधा श्रीनगर जा रही है, और आप ऊपर माउंटेन्स देख सकते हो, कितना मज़ा है ऊपर। तो गाइज़
कुछ इस तरह से है ट्रक वालों की ज़िंदगी। तो गाइस अभी आ चुका मैं गाड़ी से बाहर, सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू भी मैं दिखा दूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पे हरियाली है। तो अब मैं आपको बैक कैमरे से यहाँ का व्यू भी दिखाऊंगा, कितना अच्छा कितना औसम व्यू है यहाँ का। तो व्लॉग के साथ बने रहें। क्या लंबी लाइन लगी है पार, और उसी रास्ते से हमने जम्मू बनिहाल मतलब जम्मू के लिए निकलना है इसी रास्ते से। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी गाड़ियाँ पार लगी हुई हैं। तो गाइस अब चलते हैं अपने गाड़ी की तरफ और वहाँ से भी आपको थोड़ा सा पहाड़ों का व्यू दिखाएंगे। तो गाइस इस तरह का यहाँ का एरिया है, वो मैंने आपको दिखा दिया कितनी लंबी लाइन गाड़ियों की लगी हुई है और कैसे पहाड़ हैं यहाँ पे, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। तो गाइस अब आपका बनता है कि एक लाइक करना तो आपका बनता है। और गाइस आपको मैं एक बात बता दूँ कि ट्रक लाइफ जो है बहुत मुश्किल लाइफ है गाइस, कि कभी कभी ऐसे जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए क्या करते हैं कि ये सब कुछ अपना खाना पीना साथ में रखते हैं, गैस सिलेंडर सब कुछ रखते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे जाम में फंसते हैं। फिर क्या होता है कि कहीं दुकान नहीं मिलती है, कहीं पानी नहीं होता है, तो इसलिए ये खाना शाना सब क्या खुद ही बना लेते हैं अगर ऐसे जाम में फंस जाएं तो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। फाइनली गाइस अभी मैं गाड़ी में आ चुका हूँ। तो गाइस आप बता दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो गाइस अभी हमारा यहाँ से निकलने का इरादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ आज छोड़ी नहीं है, और अगर गाइस गाड़ियाँ छोड़ी तो मैं आपको आगे का व्लॉग भी आपको पूरा बना के दिखाऊँगा। तो आप ये दुआ करो कि गाड़ियाँ जो हैं वो दिन को निकलनी चाहिए, क्योंकि रात को मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा सकता हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी था, क्योंकि जो यहाँ का नज़ारा था वो मैंने आपको दिखा दिया। तो जब हम यहाँ से निकलेंगे आगे का भी मैं आपको दिखाते रहूँगा। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करें और मेरे चैनल को क्या सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।